पीएसपी पद के लिए एलिजिबल थी, तो लेकिन इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। बस चिंता था लेकिन ठीक चाहिए। संकल्प का ऐसे भी विकल्प नहीं होता है, प्रेम होना चाहिए और उसके प्रति आप लग जाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जमिंदर सिंह लड्डू। अरे बीच बैठी है, बीपीएससी पास की है, पटना सिटी की है, आप ही के क्षेत्र की है, वो है लंगूर गली, पुआ गली के नाम से मशहूर है, वो आपके बीच है। आइए हम इनसे पहले मिलते हैं। नमस्ते जी, आपका नाम क्या हुआ? रोहिणी कुमारी। सबसे पहले चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। पास होने का श्रेय कैसा मिला ये बताइए पहले। सब मेरे पेरेंट्स सबसे पहले, फिर उसके भी ऊपर गुरु महाराज मेरे, जो इनको हम मानते हैं। पहली प्रयास मेरा, प्रथम प्रयास 65th में था, तो 65th में 20 के एज कैटेगरी में मेरा था, तो उस कारण से सिर्फ डीएसपी पद के लिए एलिजिबल थी, तो लेकिन इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन हाइट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा 5 फीट 2 इंच उनका मिनिमम है, लेकिन वो वहाँ पे दिक्कत हो गया, इस कारण से वहाँ पे अंतिम सफलता नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद 66 में अंतिम रूप से इस बार चयनित हो पाई। ये बताइए कि आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है क्या कि कोचिंग बहुत बेहतर बेहतर अभी शहर में कोचिंग है, कहाँ कोचिंग की थी? कोचिंग मैंने नहीं लिया था, मेरा जो भी तैयारी था वो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे था, जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया वो खुद से। और इसके अलावा एक हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो जहाँ वहाँ पे न्यूज़पेपर डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन ये सब हो जाता था, जिससे मेरा प्रिपरेशन थोड़ा और अच्छे से हो पाया। स्टडी के आप जो तैयारी जो की थी, तो आप मान के चली थी क्या कि हमको बीपीएससी निकालना है? प्रयास तो यही रहता है कि अंतिम रूप से चयनित होना है, लेकिन संभावनाएं और कंपटीशन भी अपने जगह इम्पॉर्टेंट है, तो एक बैकअप भी रखिए, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए कि होना चाहिए, संकल्प का ऐसे भी विकल्प नहीं होता है। छात्राओं के लिए क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? जीवन में हमेशा एक मोटो लेकर चलना चाहिए, आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए और उसके प्रति आप लग जाइए, जब तक ना मिले तब तक आप प्रयास करते रहिए। अटूट विश्वास कि संघर्ष की घड़ी भी बीत जाएगी और सफलता का सूर्य भी उदय होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता होगा कि जब आप पढ़ाई कर रही हैं तो बीच में बहन आकर डिस्टर्ब करना, मम्मी आकर या पापा आकर के खाना खा लो, बहुत तरह के होती है। वो आप उसको केयरिंग के रूप में देख सकते हैं कि वो केयर था, और भाई बहन तो मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम था कि उसके बिना, क्योंकि कहीं जाना वगैरह उतना सोशलाइजेशन मेरा नहीं हो पाता था, तो उन दोनों के माध्यम से ही मेरा इंटरटेनमेंट हो पाता था, इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। और मम्मी पापा माजी ये सब तो पिलर हैं, फाउंडेशन है, इनके बल पे ही इमारत खड़ी होगी और हुई है। आशा है कि आप जिस तरह का जो विभाग आपको मिला है उसमें काम करेंगे। वो तो अब सिविल सर्वेंट बनने का एक पहला ध्येय यही होता है कि आपको काम करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, तो बस। अगर आपको पटना सिटी में अगर आपको पोस्ट दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र गुरुद्वारा है, तो ये एक थोड़ा सा एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में और पूरे विश्व में स्थापित हो सके, उसमें मेरा सहयोग रहे, योगदान रहे, मैं समझती हूँ ये होना तो चाहिए। तो आप तो सिर्फ गुरुद्वारे करेंगे, बाकी मंदिर मस्जिद कहाँ जाएगा? गुरुद्वारा एक टूरिस्ट प्लेस कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक स्पेशल कौम से नहीं है, बल्कि ये बिहार के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे यहाँ एक ऐसा प्लेस है जो पूरे दुनिया को सेवा और समर्पण का संदेश देता है कि सेवा करिए, समर्पित रहिए, और ये एक हमारे लिए आय का स्रोत, हमारे देश के जो अभी हैं बिहार के राज्य के युवा, यहाँ आसपास के लोग जिनका एक आजीविका का प्रमुख साधन है गुरुद्वारा, तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, इसका विकास और अच्छे से होना चाहिए। पटना सिटी का आपको लगता है कि आज भी पिछड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पास किए इसीलिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा जितना एजुकेशन है, एक जो बेसिक जो बोलते हैं बेस बनना, वो मेरा यहीं से बना है, उसके बाद यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, 10th मैंने यहीं से किया, 12th यहीं से किया, यहाँ तक ग्रेजुएशन तो पटना यूनिवर्सिटी से मेरा रहा, लेकिन प्रिपरेशन तो मैंने यहीं किया, तो ऐसा हम लोग नहीं मान सकते कि पिछड़ा हुआ है, बस हमारे नज़रिए में दोष है कि हम लोग उसको
पिछड़ा मान लेते हैं। ये बताइए कि इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए कितना घंटा मेहनत करना? कभी मैंने घंटे में ऐसे बांटा नहीं है। हालांकि आपका जो दिनचर्या में जो आपका बेसिक कार्य हुआ उसके करने के बाद अधिकतर टाइम मेरा पढ़ाई लिखाई में ही बीतता था। उसके बाद जो आपस में एंटरटेनमेंट हम लोग का होता था वो, तो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं, लेकिन हाँ उसको आप रेगुलर बनाए रखिए। आप ऐसा नहीं कि एक दिन आपने पढ़ लिया, चार दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रेगुलर आप 2 घंटे ही क्यों ना पढ़े, रेगुलर करिए, उसमें लगे रहिए। मनोरंजन के तौर पर कंगन घाट घूम लेना, गुरुद्वारा घूम लेना। अभी तक यही हुआ है कि पिछले 4 साल से इतना पास होते हुए भी हम गुरुद्वारा नहीं गए हैं। क्या बात। और कंगन घाट तो घूमे ही नहीं है, अब जाना है, अब जाना है कि अब लगे कि हाँ ठीक है, अब वो सफल होगा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है। इससे भी आगे जाए, बहुत आगे जाए, मेरा यही दुआ है। मन में तो विचार आया हुआ है कि बेटी सिर्फ खाली पढ़ाई कर रही है, काम घर का क्यों नहीं कर रही है? कभी कभी लगता था, हाँ कभी कभी लगता था, लेकिन फिर भी नहीं सपोर्ट किए कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है, तब आगे बढ़ेगी। आपके जो दूर दराज के जो फैमिली जो है वो अगर सुनते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हुए हैं, सब लोग बधाई दे रहे थे, बहुत खुशी हुई उन लोगों को सुनकर, सब लोग दे रहे थे। उन लोग भी हैं सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, तो उन लोग को भी बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। कैसे हैं जी? ठीक हैं। तो बेटी तो पास कर गई है, खुशी का माहौल होगा? जी जी, काफ़ी खुशी का माहौल है। कैसा लगा जब रिजल्ट जब निकला होगा तो उसमें? तो उस समय थोड़ा सा चिंता था, लेकिन ठीक। अंदर से तो बहुत बहुत ये लगता होगा ना मेरा। चलिए आप देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू आ गया, और ये आंसू है खुशी का, जिसका जो इंतजार किया जा रहा था। अगर वो सफलता होती है तो वो आंसू निकलना जाहिर से और लाजमी बात है। ऐसे सर टूब आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, ऐसे ही शख्स से हम जानकारी लेंगे पटना सिटी में कहाँ कहाँ अनुभव और छुपे हुए रुस्तम अभी है, हम उनसे भी जानकारी लें। जय हिंद।